नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ कि राजदीप सरदेसाई जैसा वल्चर और कोई नहीं है पूरे जर्नलिस्ट फील्ड के अंदर। जी हाँ, राजदीप सरदेसाई जिनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, वो अपने आप को एक नोटेड पत्रकार समझते हैं भारत के अंदर। क्यों? क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, उनको मोदी जी की सारी चीजें गलत लगती है। तो वो राजदीप सरदेसाई जिन्होंने एक समय एक इंटरव्यू में कहा था कि न्यूज चैनल्स वाले वल्चर्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि सबको अपना चैनल नंबर वन करवाना है टीआरपी की वजह से। सब लोग ऑब्वियसली पैसा कमाना चाहते हैं न्यूज बेचकर, लोगों की मौत बेचकर। तो उन सब वल्चर्स में राजदीप सरदेसाई सबसे बड़ा वल्चर है। जी हाँ, राजदीप सरदेसाई का एक इंटरव्यू हम सब ने देखा होगा, अभी तक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां पर वो रिया चक्रवर्ती के साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं। वो रिया चक्रवर्ती जो अभी व्हाइट सलवार कमीज में नहीं है थैंकफुली, मगर ऑब्वियसली हंस हंस के बयान कर रही है अपना यूरोप ट्रिप, और कैसे यूरोप ट्रिप में उसको पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे 2013 में। और राजदीप सरदेसाई बहुत सीरियस सा फेस रख के उनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। वो राजदीप सरदेसाई जो पहले चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत का फैमिली शांत हो जाना चाहिए और उनको साइलेंस में अपने बेटे या भाई का मौत का ग्रीविंग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक है। मगर कोरोना वायरस पैंडेमिक के ऊपर अगर हम बात करते हैं और इस्लामी जमात के ऊपर, तबलीगी जमात के ऊपर कुछ फैक्ट्स रखने का प्रयास करते हैं, तो हमें कम्यूनल कहा जाता है। जब ऑब्वियसली कोरोना वायरस के होते होते हम एक सुपरस्टार की मौत के ऊपर आवाज उठाते हैं, तो हमें ऑब्वियसली अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए ये करा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जाता है हमारे ऊपर, जो लोग ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो राजदीप सरदेसाई, आप क्या कर रहे हैं कोरोना वायरस पैंडेमिक के समय? आप भी तो रिया चक्रवर्ती को मिलकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो आपको कोई पूछता नहीं है, मगर ये सब बकवास करके आपके चैनल को थोड़ी बहुत टीआरपी मिल जाएगी, आपके न्यूज पोर्टल को कोई देख लेगा। क्योंकि इंडिया टुडे का जो रवैया है ओवर सुशांत सिंह राजपूत डेथ इज ऑब्वियसली ट्राइंग टू प्रूव हिम एज द पर्सन हु वॉज रॉन्ग एंड रिया चक्रवर्ती द मासूम कली। मे बी पूरे इंडिया टुडे के ऊपर रिया चक्रवर्ती ने जादू टोना कर दिया, स्पेशली आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, क्योंकि आपको रिया चक्रवर्ती में कुछ गलत नहीं दिखता। जो औरत ऑब्वियसली MDMA मंगाती है, उस सुशांत सिंह राजपूत की चाय कॉफी में डालती है 4 सिप और वेट करती है फॉर 30-40 मिनट्स फॉर द इफेक्ट टू किकिंग, वो रिया चक्रवर्ती जो उसके परिवार को उसके डिप्रेशन के बारे में बताती नहीं है। उसका फादर जब फोन करता है उसे, तो उसे उससे बात नहीं करने देती। उसका फादर जब उससे टिकट्स की मांग करता है वाया श्रुति मोदी, तो वो उसका कुछ जवाब नहीं देती। तो ये रिया चक्रवर्ती आपको सही लग रही है? क्यों? क्योंकि उसने 2013 की कोई डिप्रेशन वाली स्टोरी अभी बेची है कि मोडाफिलिन करके कोई ड्रग सुशांत सिंह राजपूत ने लिया था फ्लाइट लेने से पहले, यूरोप का ट्रिप करने से पहले, क्योंकि उसको फ्लाइट से क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। और उसने फिर कहा था कि कैसे उसको 2013 में भी कोई एंग्जाइटी अटैक्स हुआ था, तो कोई साइकाइट्रिस्ट हरीश शेट्टी ने उसको ये दवाई दी थी। तो रिया चक्रवर्ती, मैं आपको इतना ही कहना चाहती हूँ, वीड तो आप फूकती है, ऐसा तो हमने आपकी चैट से ही पढ़ा है, और आपका वीड के साथ जो संबंध है, आपके दोस्तों का जो संबंध है, सिमोन कंबाठा का जो संबंध है, शिवानी डांडेकर का जो संबंध है वीड के साथ, ये तो हम सबको पता है, ठीक है? तो आप भी ड्रग्स फूंकती थी, चाहे मारुआना हो या कुछ और हो, मगर आप हार्ड ड्रग्स करती थी नहीं करती थी, ये तो ऑब्वियसली थोड़े दिन में आपकी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन होगी, जब आप अरेस्ट होगी तो पता चल जाएगा। मगर आप यहाँ पे मासूम कली मत बनिए, क्योंकि हम सबको पता है कि बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स का सेवन किया जाता है। कोकीन सबसे ज्यादा यूज्ड ड्रग है बॉलीवुड के अंदर। आईपीएल की पार्टीज के अंदर ड्रग्स का प्रयोग किया जाता था, बॉलीवुड की आफ्टर पार्टीज के अंदर ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है, बॉलीवुड अवार्ड शोज के बाद जो भी सुपरस्टार अपने स्वीट के अंदर सो कॉल्ड पार्टी रखता है, जहां पर सब ए लिस्टर्स जाते हैं, उन स्वीट्स के अंदर ड्रग्स का सेवन किया जाता है। बहुत सारे सुपरस्टार्स की सो कॉल्ड वाइफ्स ड्रग्स का सेवन करती है। क्यों? क्योंकि उनके हस्बैंड्स इतने फ्लर्टेशियस होते हैं कि उनके हस्बैंड्स की फ्लर्टेशियस बिहेवियर को टॉलरेट करने के लिए वो सारी जो सुपरस्टार्स की वाइफ्स होती है ज्यादातर एडिक्ट्स होती हैं। जी हाँ, ये एक फैक्ट है। अब यहाँ पर नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि हमें प्रूफ चाहिए अबाउट देम बीइंग कॉट विद ड्रग्स ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट यहाँ पर हम सब जो कह रहे हैं कि बॉलीवुड इज एसोसिएटेड विद ड्रग्स, ये कोई नई कहानी नहीं है, मगर इसके ऊपर अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल से अब ये ड्रग एंगल सब बाहर आ रहा है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है।
मगर यार चक्रवर्ती को अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहा है राजदीप सरदेसाई. राजदीप सरदेसाई, आर यू लाइक आउट ऑफ नट, आउट ऑफ योर माइंड? क्या आपको कभी डिप्रेशन होता है? क्योंकि आपकी लोग इतनी खिल्ली उड़ाते हैं. आप जब रोड पे चलते हैं तो क्या आप महसूस करते हैं? क्या लोग आपके पीठ पीछे हंसते हैं? तो आपको कभी बुरा नहीं लगता? आप कभी एंशियस नहीं होते? आप कभी डिप्रेस्ड नहीं होते? तो अगर आप ऐसी कोई फीलिंग्स का महसूस करेंगे आगे जाके, क्योंकि आपके कपड़े और भी फटने वाले हैं, तो प्लीज कॉन्टेक्ट रिया चक्रवर्ती एंड उनसे है ना दवाइयां ले लीजिएगा. प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स चाहिए या बैंड ड्रग्स चाहिए, जो भी चाहिए सब रिया चक्रवर्ती से ले लेना, क्योंकि रिया चक्रवर्ती विल बी हैविंग अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू, बिकॉज आपने उसका इंटरव्यू किया, उसका अच्छा साइड दिखाने का प्रयास किया. वो रिया चक्रवर्ती जिसको बहुत जल्द नारकोटिक्स या सीबीआई या कोई ना कोई तो अरेस्ट करने ही वाला है, बिकॉज शी हैड नो राइट्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल डील इन बैंड ड्रग्स एंड सेकेंडली गिव देम टू सुशांत सिंह राजपूत विदाउट द फैमिली नोइंग. जी हाँ, जया साया के साथ जो भी उसका मैसेजिंग हुआ था रिया चक्रवर्ती का अबाउट दिस फोर ड्रॉप्स इन टी और कॉफी and let him sip and 30-40 minutes ke baad effect sink in hoga. Uske baad Riya ne Jaya Saha ko bola hai ki aaj unki behne aa rahi hai, tino ki tino saath aa rahi hai. Ji haan, kyunki pehle jab ek behen aati thi to ek behen ke upar molestation ka aarop tu Riya Chakravarti lagati thi, isliye uske baad tino ki tino behen saath travel karne lagi. Magar tu aisa kya karya karti thi, kaand karti thi ki jab behne aati thi tu ghar se bhaag jati thi? To agar tere man mein kuch mail nahi tha to agar behne aati thi aur Sushant Singh Rajput depressed tha और सुशांत सिंह राजपूत को 2013 में भी डिप्रेशन का अटैक हुआ था, तो बहनें आती थी तो तुम भाग क्यों जाती थी? बहनों के सामने बोलना चाहिए था ना बहनों को कि देखो तुम्हारा भाई ये सब ड्रग्स कर रहा है, इसको डिप्रेशन है, इसको आप इलाज कराइए. बहनों के सामने आप क्यों भाग जाती थी? बहन चली जाए उसके बाद आप उसको ड्रग्स देती थी, आप उसके साइन फॉर्ज कराती थी, क्यों? आप ऑब्वियसली उसको एक बैंक बैलेंस की तरह यूज कर रही थी. क्यों? क्योंकि वो बेवकूफ था शायद, थोड़ा आपके प्यार में था शायद थोड़ा, और शायद यू नो परेशान था बॉलीवुड के नेपोटिज्म एंगल से, बॉलीवुड के कैंपिज्म एंगल से. क्योंकि देखिए ये सब बॉलीवुड पार्टीज में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स सुपरस्टार्स होते हैं, और इन सब लोगों को फाइनेंसर्स को भी बुलाना होता है ऐसी पार्टीज के अंदर, और इन पार्टीज के अंदर फाइनेंसर्स को ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस अपकमिंग एक्ट्रेसेस के साथ संबंध रखने की इच्छा होती है. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि वो पिक्चर में पैसा डाल रहे हैं तो उनको कुछ तो मिलना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द इंटरेस्ट दैट दे अर्न इफ द फिल्म बिकम्स सक्सेसफुल. तो इस तरह से एक षड्यंत्र रचा जाता है जहां पे ऑब्वियसली स्ट्रगलिंग अपकमिंग एक्ट्रेसेस को कोई फोर्स नहीं करता इन फाइनेंसर्स के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए, बट ऑब्वियसली वो ये सब करती है ये सोच के कि आगे जाके उनको काम मिलेगा. साथ साथ में ये पार्टीज के अंदर सुपरस्टार्स का अपना एक कैंप होता है, और जो नए आउटसाइडर्स होते हैं जो छोटे छोटे शहरों से आते हैं, उनको लगता है कि शायद हम भी यू नो स्मोक करेंगे, ड्रिंक करेंगे, ड्रग्स करेंगे, तो हम भी उस कैंप के अंदर घुस जाएंगे एंड हम यू नो हैपनिंग हो जाएंगे. मगर सैडली केसेस लाइक इंदर कुमार हैपन वेयर द आउटसाइडर हु इज नॉट एज सक्सेसफुल, और वो आउटसाइडर जो इन बैड हैबिट्स का गुलाम हो जाता है, he actually ends up giving up his life because of the drug habit or the alcohol habit. और दूसरी ओर वो superstar detox center में जाके अपने आप को ठीक कर देता है. तो आपको समझना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था कि he was never invited to the parties anymore. क्या nepotism का angle था, क्या campism का angle था, मगर obviously अब उनके कोई you know bodyguard का interviews India Today publish कर रहा है. वो bodyguard जो obviously अब कह रहा है India Today के ऊपर कि बाकी channels में उसने सुशांत सिंह राजपूत की praise किया है, मगर India टुडे पर वो बॉडीगार्ड कह रहा है कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत बहुत टेम्परामेंटल थे और अपने यू नो अपने लोगों को सैक कर देते थे, स्टाफ मेंबर्स को विदाउट एनी रीजन, चार पांच लोगों को उसके टेन्योर के टाइम पे सैक कर दिया. ये बॉडीगार्ड का नाम मुश्ताक है, और मुश्ताक ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत की बुराई कौन से चैनल पे करता है? इंडिया टुडे पे. क्यों? क्योंकि रिपब्लिक पे अगर वो आएगा तो अर्नब गोस्वामी उसके कपड़े फाड़ देगा. तो इस तरह का पॉलिटिक्स किया जा रहा है, और ये पॉलिटिक्स टेलीविजन न्यूज चैनल्स कर रहे हैं. मीडिया ट्रायल तो ऑब्वियसली करना उनका हक है, क्योंकि अब ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है इसके समर्थन में या इसके खिलाफ कोई लिबरल फेमिनिस्ट नहीं बोलेगा. जिस तरह से अब रिया को बचाने का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है उसके खिलाफ कोई क्यों नहीं बोल रहा? देखिए मीडिया ट्रायल तो हमारे देश के अंदर होता हुआ आ रहा है, चाहे मीटू का एलिगेशन का कैंपेन था, चाहे कास्टिंग काउच का कोई कैंपेन होता है, चाहे मोदी जी के खिलाफ बोलना होता है, चाहे पायल की आवाज बंद करनी होती है, कुछ भी करना होता है, मीडिया ट्रायल तो हमारे देश के अंदर होता है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, मीडिया के पास फ्रीडम है फेक न्यूज फैलाने की. और फेक न्यूज के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए, क्योंकि सीए के टाइम पे बहुत सारी फेक न्यूज़ फैली थी, मगर उसके खिलाफ अगर कोई आवाज उठाए या रियल वीडियोस शेयर करे उनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर, तो उनका फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया जाता है.
तो मीडिया ट्रायल तो हमारे देश के अंदर हो रहा है, मगर बहुत सारी फेमिनिस्ट को लगा था कि बेचारी रिया चक्रवर्ती को जानबूझ के मीडिया ट्रायल दिया जा रहा है जबकि वो बेगुनाह है। मगर अब ये फेमिनिस्ट कहाँ है जब ये रिया ओपनली ड्रग्स, हार्ड ड्रग्स, बैंड ड्रग्स, इलीगल ड्रग्स सुशांत सिंह राजपूत को दे रही थी। सुशांत सिंह राजपूत अगर डिप्रेशन रिलेटेड कोई दवाई 2013 में ले रहा था अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सम हरीश शेट्टी साइकाइट्रिस्ट, तो वो कोई बैंड ड्रग नहीं था, वो एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग था। और अगर उसको कोई डिप्रेशन हो भी गई या कोई हेलुसिनेशन हो भी गई वो गॉथिक होटल में जाकर, जिसकी कहानी आप बेचना चाहती है, तो आपने वहां से आकर सिंपली या तभी के तभी उसकी फैमिली या उसकी सिस्टर्स को फोन क्यों नहीं किया? अगर उसकी सिस्टर ने आपके साथ मोलेस्टेशन भी किया था मगर आपने तो बात छोड़ दी थी ना, क्योंकि आपके व्हाट्सएप मैसेजेस में तो आप यही बता रही थी कि आप कितनी बड़ी है, आप कितनी अच्छी है, तो यहां पर वो बात तो पीछे खत्म हो चुकी थी। तो अब आपने अच्छाई की तरह से एज अ कंसर्न, बिकॉज योर पार्टनर इज सेइंग दैट 2013 से वो डिप्रेस थे, तो आपने उसको उसकी ये हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन उसकी बहनों को क्यों नहीं दी, क्योंकि ही वॉज वेरी क्लोज टू हिज फैमिली। अगर आपने obviously decide किया कि आप अभी completely control ले लेंगी and उनको और you know illegal banned drugs देना शुरू करेंगी और साथ साथ में उनको psychiatrist कम counselor के पास ले जाएंगी जो उनको Q-tip पे डाल देंगे, और कुछ भी आप ये कोई भी information उनकी family को नहीं देंगी, और आप उनके father के phones का जवाब नहीं देंगी, उनकी सिस्टर्स को मोलेस्टेशन के आरोप से तहत घर से बाहर निकाल देंगी, और आप सुशांत सिंह राजपूत को 3-3 महीने तक सोने देंगी और इसकी इन्फॉर्मेशन फैमिली को नहीं देंगी, क्यों रिया चक्रवर्ती, क्या छुपाना चाहते थे आप? क्योंकि अभी आप यहाँ पे अपनी सफाई रख रही है ना, तो रखिए, आपको भी राइट है सफाई रखने का, आप एक लोकतंत्र में रहती है, मगर आपकी ये सफाई में आप ही बुरी लग रही है क्योंकि आपने सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को उसकी डिप्रेशन के बारे में क्यों नहीं बताया। डिप्रेस होना कोई बुरी बात तो नहीं है, डिप्रेशन जैसे दीपिका पादुकोण ने बोला एक इलनेस है, एंड ये इलनेस को क्यों किया जा सकता है? बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में हम देखते हैं कि वो डिप्रेस्ड है, हम लोग भी कभी ना कभी डिप्रेस्ड होते हैं अगर हमारा प्रोजेक्ट नहीं हो रहा होता है या हमने कुछ होप किया होता है कि ऐसे ये चीज वर्कआउट होगी मगर वो नहीं वर्कआउट होती तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि जो आदमी जब डिप्रेस्ड हो जाता है सबका सब सबके सब सुसाइड कमिट कर लेते हैं, नहीं। बायपोलर डिसऑर्डर ये तो एक बहुत लूजली यूज टर्म है कर्सी चावड़ा का, वो तो सबको बायपोलर डिसऑर्डर बोलता है क्योंकि आई थिंक दैट्स द वे ही फंक्शंस इन बॉलीवुड। मगर आपने ये क्यों नहीं किया कि आपने ये डिप्रेशन वाली कहानी शेयर करी सिस्टर्स के साथ, जब सिस्टर्स आने वाली थी, ये आपने इन्फॉर्मेशन जया साहा को बोला कि अब सिस्टर्स आने वाली है तो ये ऑब्वियसली ये चीज को 2-3 बार दिन में नहीं ले सकता, जो आप उनकी चाय कॉफी में डालना चाहती थी जया साहा ने जो भेजा था वाया श्रुति मोदी, तो कहीं ना कहीं आप कपट कर रही थी और आप एक कपटी औरत है। मासूम चेहरा रखने से और ही करने से आप सच्ची औरत नहीं बन जाती, बट आपको जितनी इंटरव्यूज करनी है राजदीप सरदेसाई के साथ करिए, क्योंकि अर्णब के साथ करने की तो आपकी औकात नहीं है, और राजदीप सरदेसाई अपना धंधा चलाने के लिए आप इतने गिर जाएंगे कि आप एक वल्चर से भी ज्यादा गए गुजरे लगेंगे मुझे। ये तो भाई दिखाता है कि आप किस तरह से, किस एजेंडा से भारत के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसने भेजा है, क्योंकि ये ड्रग एंगल छुपाना, यू नो कास्टिंग काउच का एंगल छुपाना, मी टू का एंगल छुपाना, ये जहां भी कुछ गलत बात होता है उन चीज को कवर करना और ऑब्वियसली मोदी जी के खिलाफ बोलना, यही आपका लाइफ का एजेंडा है राजदीप सरदेसाई। तो आप रिया चक्रवर्ती की इंटरव्यू करिए, मगर अगर वो गलत है उसके खिलाफ प्रूफ सीबीआई के पास आ गए हैं जिस जो व्हाट्सएप चैट से शुरू हुए हैं, और बाकी प्रूफ्स अगर उनको मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली वो गिरफ्तार होगी। आपका कुछ भी ड्रामा करने से लोगों के दिमाग में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो भी क्या थॉट प्रोसेस है वो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने एक बहुत गलत चीज करी, वो था फैमिली को सुशांत सिंह राजपूत से दूर करना। अगर वो डिप्रेस्ड भी था तो डिप्रेशन होना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, आज के टाइम पे हर दूसरे पर्सन को डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी अटैक होता है, क्यों? क्योंकि हम एक स्ट्रेसफुल वाली जिंदगी में रह रहे हैं, हम एक बहुत कंपेटिटिव प्रोफेशन में रहते हैं और फिर कोरोना वायरस लॉकडाउन हो गया है, मगर आपने जिस तरह से ये सिचुएशन को हैंडल किया अपने स्टूजेस द्वारा, अपने लोगों द्वारा, पुराने स्टाफ को निकालकर और ये सब हार्ड ड्राइव्स को यू नो डिलीट करके जो आपने June 8th को किया, जो सिद्धार्थ पिठानी ने अभी कबूल किया है कि उसके सामने 8 हार्ड ड्राइव्स यू नो डिलीट की गई, IT पर्सन को बुलाया गया, तो ये सब आपने क्यों किया? क्या छुपाना चाहती थी? क्या आपके कोई सेक्स वीडियोस बने हुए थे? नहीं ना। क्या आपने कोई गलत काम किया हुआ था? अगर आप रिलेशनशिप में भी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ तो कोई बुरी बात तो है नहीं, लाइफ में रिलेशनशिप्स होते हैं,
लाइफ में रिलेशनशिप होना है यानी कोई गलत काम करना तो नहीं है, मगर आप कुछ डिलीट कर रही थी, मतलब आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आप नहीं चाहती थी कि पब्लिक डोमेन पे आए, और सुशांत भी शायद नहीं चाहते थे कि वो पब्लिक डोमेन पे आए. तो समवेयर समथिंग इज ट्राइंग टू बी कवर्ड अप. एंड मुंबई पुलिस, आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहले क्यों नहीं आई? आपने रिया का फोन पहले क्यों नहीं जब्त किया? शौविक का फोन पहले क्यों नहीं जब्त किया? ये व्हाट्सएप चैट्स क्यों नहीं रिट्रीव करवाई जो इन्होंने डिलीट कर दी थी? अगर इनके मन में कोई खोट था नहीं तो इन्होंने ये व्हाट्सएप चैट्स क्यों डिलीट करी? क्योंकि देखिए, आप हर सिचुएशन में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, मगर अगर आपकी इंटेंशन सही है तो आप बैठ के वो व्हाट्सएप चैट्स डिलीट नहीं करते. मगर पूरा व्हाट्सएप चैट ड्रग डीलर्स के साथ डिलीट करना, ट्रेस अपना छुपाना, ये ऑब्वियसली यू नो ऑल सिम्टम्स ऑफ अ क्राइम, ऑफ अ क्रिमिनल. एंड यहाँ पर Cornerstone Talent Agency के बारे में भी कुछ बातचीत हो रही है by some person who is saying that Bunty Sachdev and Cornerstone is also involved in such kind of activities. क्योंकि देखो, दुबई के links Bollywood में है, दुबई के links cricket में है, IPL के matches में मैंने देखा है. ऐसा नहीं है कि हमने देखा नहीं है. It's just that now we cannot talk about it because हमारे phone पे ना वो messages है, ना हमने उस समय कुछ record किया था जो हम पहले attend करते थे parties, क्योंकि हम भी छोटे शहरों से आए हैं. हमको भी बोला गया था कि excuse me, यहाँ पे जाने से networking होती है, आप बड़े बड़े लोगों को मिलेंगे, अगर आप अच्छे हो तो आपको फिर अगले दिन वो ऑफिस में बुलाएंगे, आपको काम मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता. एंड कहीं ना कहीं आप उन बैड हैबिट्स में डीपर डीपर घुसते जाते हो. जी हाँ, आई ऑल्सो यूज टू ड्रिंक एंड स्मोक एट वन पॉइंट ऑफ माई लाइफ एंड आई हैड टू गेट आउट फ्रॉम दैट बैड हैबिट. और जब आप उस बैड हैबिट से निकलने का प्रयास कर रहे होते हो तो आपको डिप्रेशन जैसी फीलिंग होती है. मैंने भी एक साइकाइट्रिस्ट कर्सी चावड़ा, जिसका नाम सुनकर मैं इतनी अफेक्टेड हुई थी विद सुशांत सिंह राजपूत डेथ, उसको विजिट किया था एंड ही ऑल्सो टोल्ड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर. अब कहीं से आपको लगता है ना बाइपोलर डिसऑर्डर से सफर कर रही हूं, मुझे लगता है कर्सी चावड़ा कर रहा है. मगर ऑब्वियसली लोग आपको पागल का दर्जा देते हैं अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते, आप उनके हिसाब से नशा नहीं करते, आप उनके हिसाब से काम नहीं करते बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि वो बॉलीवुड के लोग समझते हैं कि वो बॉलीवुड चला रहे हैं. तो ये जो थॉट प्रोसेस है इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ ने ये भ्रम को तोड़ा है उनके, जो ऑब्वियसली समझते थे कि वो डिसाइड करेंगे कि बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार कौन होगा, बॉलीवुड की नेक्स्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म कौन होगी. सुशांत सिंह राजपूत एक बच्चे की तरह था. यस, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, मगर उसके टैलेंट और उसके इंटेलिजेंस को इतनी ड्यू एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली. एंड शायद वो डिप्रेस्ड हो गया, शायद वो एंग्शियस हो गया, मगर उस समय उसको एक सही औरत ने संभाला नहीं. रिया चक्रवर्ती ने उसको दूसरी लतों में डाल दिया, उसके जाने अनजाने में, उसके चाय कॉफी में ये सब चीजें डालकर उसको और ज्यादा आई थिंक मेंटली अफेक्ट कर का प्रयास किया. क्यों? क्योंकि वो उसके पैसों के पीछे थी, वो उसके कॉन्टैक्ट्स के पीछे थी. जी हाँ, वो एज अ लीडिंग लेडी लॉन्च होना चाहती थी. उसने रूबी जाफरी के साथ सेटिंग करी हुई थी कि नेक्स्ट पिक्चर के अंदर वो और सुशांत सिंह राजपूत एज हीरो एंड हीरोइन आएंगे. उसने रूबी जाफरी की वो पिक्चर चेहरा करी है अभी, जो जिसमें अमिताभ बच्चन है, और ये रूबी जाफरी को वो जानती किसकी वजह से? सुशांत सिंह राजपूत की वजह से. तो वो तो सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को एज अ कॉन्टैक्ट यूज कर रही थी पैसों के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कॉन्टैक्ट्स पाने के लिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक एस्टैब्लिश ए ग्रेड एक्टर था. मगर अभी उसको कहना है कि उसको पैसों की आवश्यकता नहीं है, और उसने 33,000 भरा था अपने भाई का शेयर कंपनी के अंदर जहां पर उसने उसको डायरेक्टर बनाया था. 33,000 की बात कर रही है यहाँ पे तू, तो उसका प्रूफ दिखाएगी? व्हाट अबाउट द 15 crores दैट द फैमिली इज ब्लेमिंग यू फॉर काइंड ऑफ रिमूविंग फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत अकाउंट? वर दीज 15 crores पेड टू ड्रग डीलर्स? दैट इज वाई दे आर ऑल अननोन अकाउंट्स? वर द मनी जस्ट सिफंड ऑफ लाइक द मनी siphoned off of 62 lakhs from Sushant's account to Quan Entertainment and Quan Entertainment se 22 lakhs tumko mile? Tum actually humko believe karwana chahti ho ki tumko koi 22 lakhs pay kar sakta hai? Excuse me, hum sabko pata hai ki hum sabko kitni payments milti hai, kaun kis level mein payments you know mangta hai industry ke andar. Riya Chakravarti, you are not even a known name before Sushant Singh Rajput died. Aapko koi 50,000 bhi pay kar dena koi ko fashion shoot ke liye, wo bhi bahut payment hogi, because you, I am not joking, you know, we all know how much a person is paid in the industry. आपके अकाउंट में क्वान ने 22 लाख का ट्रांसफर क्यों किया? Why are you not giving explanation for that to Rajdeep Sardesai? No, you want to give Rajdeep Sardesai 2013 की depression story. You want to establish the fact that Sushant Singh Rajput was depressed before he met you. Excuse me, aren't you depressed now? Because you're going to be very, very more depressed with the coming times. You're going to make sure that you get more depressed. And then, if you get onto prescription drugs, please don't
डोंट क्राई वुल्फ, बिकॉज ये आपने खुद इनवाइट किया है. डिप्रेशन इज एन इलनेस, सो इफ टुमारो यू गेट डिप्रेस्ड, गेट क्योर्ड, डोंट गेट मोर डिप्रेस्ड. एंड यस, गॉड फॉरबिड इफ यू डू एनीथिंग रॉन्ग, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज हम लोकतंत्र में रहते हैं. जैसे आप बोल सकती हैं वैसे हम भी बोल सकते हैं. आप एक इंसान की इमेज को खराब करके अपने आप को बचाना चाहती है, ठीक है, तो हम अब उस इंसान की वजह से आपकी इमेज खराब करेंगे और फिर देखते हैं कि आप कितनी देर तक बचती है पुलिस से और जस्टिस से. नमस्ते.